हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में आईपीएल के मैच नंबर 49 की चर्चा होगी, जो कि चेन्नई और पंजाब के बीच में होगा। जॉनी बेयरस्टो का बल्ला फिर से चलेगा या फिर प्रभसिमरन सिंह स्कोर करके देंगे या दोनों फ्लॉप होंगे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी तक इससे पहले जो जो हमने वीडियो में डिस्कस किया वो सब कुछ आपको अधिकतर मैचेस में देखने मिला है, इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देख लो। ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र 20 मिनट अगर निकालोगे तो ग्रैंड लीग में एक अच्छी रैंक के साथ में फिनिश कर दोगे, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। चलिए बात करते हैं आज के इस मैच के बारे में, और इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑफर है कि कैसे आप 1 करोड़ रुपए का मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ खेल सकते हो रुपए में, और वो भी 5 टीमों के साथ में। कैसे पॉसिबल होगा ये आपको मैं आगे बताऊंगा। और आज की वीडियो में अगर आप लोगों ने पूरे कर दिए 8000 लाइक तो एक जबरदस्त फ्री गिव अवे होगा टेलीग्राम पे। तो इसके लिए करना क्या है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप कमेंट सेक्शन से भी लिंक ले सकते हैं, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम पे आ जाना। और जैसे ही 8000 लाइक पूरे होंगे एक जबरदस्त फ्री गिव अवे होगा, और दोस्तों एक नहीं दो नहीं पूरे 30 लोगों को 100 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा। 30 लोगों को 100 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा। तो जल्दी से 8000 लाइक पूरे करो और टेलीग्राम पे आ जाओ, एक बेहतरीन और ऐसा फ्री गिव अवे जिसमें सभी लोगों को प्राइज मिलेगा। एक ही आदमी बार बार विनर नहीं बनेगा वहां पे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, और लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा, तभी तो कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा करने के लिए लाइक से शुरुआत होनी चाहिए। वेन्यू है MH चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक चेन्नई का, और इस मैदान की अगर डाइमेंशंस की बात करें तो लगभग 70 मीटर की बाउंड्री आपको मिलती है। एक बढ़िया बैटिंग फ्रेंडली विकेट हम यहां पर देखते आए हैं। अब यहां पे जो टोटल 135 मैचेस खेले गए उनमें से अधिकतर मैचेस में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और जो पिछला मैच था ना वो भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब पहली इनिंग चल रही थी तभी इतनी ज़्यादा ड्यू आ गई थी, तो मतलब हाथ से ऐसा हाथ गीला हो रहा था, इतनी ड्यू आ गई थी। इसके बावजूद भी सेकंड इनिंग में जाकर SRH इस मैच को हार गई थी। अब ड्यू आ रही है, इसका सबसे बड़ी चीज आपको सबसे बड़ा जो इंपैक्ट नजर आएगा वो आएगा स्पिन गेंदबाजी पे। दोस्तों आप यहां पे देखिएगा, नॉर्मली जब हम पुराने मैचेस उठाकर देखते हैं तो आपको ये देखने मिलता है कि MH चिदम्बरम पे स्पिनर्स को बहुत विकेट मिलते हैं, लेकिन इस साल जितना ड्यू आ रहा है उसकी वजह से आप देख रहे हैं सिर्फ एक विकेट मिला था जडेजा को यहां पर, वो भी नहीं मिला था। इस वाले मैच में जरूर 4 विकेट निकाल दिए थे, क्योंकि पहली इनिंग में गेंदबाजी की थी जडेजा ने, अली ने, और यहां देखेंगे तो यहां पर भी 3 विकेट आ गए थे क्योंकि GT ने पहली इनिंग में गेंदबाजी की थी, जिसमें राशिद खान नूर अहमद थे जिन्होंने पहली इनिंग में गेंदबाजी की। मतलब अगर कहीं स्पिनर्स के पास कुछ विकेट निकल सकते हैं तो वो फर्स्ट इनिंग के अंदर आ सकते हैं ज्यादा। सेकेंड इनिंग के अंदर की कहानी अगर देखोगे, 1-1, 0-0। अब रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर जो कि मतलब क्वालिटी स्पिनर है, बढ़िया गेंदबाजी करता है, वो सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कर रहा है ना तो आप चाहो तो रेस्ट दे सकते हो, मतलब सिर्फ बल्लेबाजी के लिए लेना पड़ेगा। गेंदबाजी से अगर विकेट मिल जाए तो फिर वो बोनस होगा, अगर ड्यू आती है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करके रखना। अब यहां अगर हम स्कोर करने वाले प्लेयर्स के नंबर देखें तो आपको क्या मिलेगा, ओपनर आया था ऋतुराज गायकवाड़ 98 किया, ओपन करने आया था ऋतुराज गायकवाड़ 100 किया। यहां पे शिवम दुबे नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, यहां पे श्रेयश अय्यर नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। तो कंसिस्टेंसी लेवल बिल्कुल जीरो है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक ही नंबर का प्लेयर बार बार स्कोर कर रहा हो। और यहां पर देखो कि 1 विकेट है, 1 विकेट यहां है, 1 विकेट यहां है, और 2 विकेट यहां है। तो कम से कम पावर प्ले में 1 विकेट मान के चल सकते हैं, चूंकि यहां पे रहानी है जो विकेट दे जाते हैं। अब यहां सेकंड इनिंग की बात करते हैं, सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, नंबर 4 का प्लेयर स्कोर किया, ओपनर ने स्कोर किया, यहां नंबर 3 ने स्कोर किया, यहां नंबर 3 ने स्कोर किया। पावर प्ले में नई गेंद के साथ में 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट। अब यहां पर ये पॉसिबिलिटीज हैं कि जो नई गेंद के साथ में आपको स्विंग देखने मिलेगा, या तो ये संभव है कि जो दोनों ओपनर से वो आउट हो जाए, या फिर ओपनर और एक वन डाउन का प्लेयर आउट हो जाए। अब ये हम आगे जाके रिकॉर्ड में देखेंगे कि किन किन खिलाड़ियों की कमजोरियां क्या है, उस हिसाब से हम तय करेंगे कि किसको लेके चल सकते हैं और किसको छोड़ के चल सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। अब ऐसा भी हो सकता है कि बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह दोनों एक साथ चले जाए और फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिले हैं, क्योंकि जब स्पिनर्स के खाते में विकेट नहीं आएंगे तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स बचे हैं जिनको विकेट मिल सकता है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान करके अपनी टीम बनाते टाइम इसको बिल्कुल फोकस करके रखना कि ऐसा हो रहा है मैच में, खासतौर से इस ग्राउंड के ऊपर। तो ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नाम देख के टीम बनाओ, नाम देख के टीम नहीं बनानी है, परफॉर्मेंस देख के टीम बनानी है। चलिए
हेड टू हेड। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो हुआ क्या था, चेन्नई ने 200 बनाया, पंजाब ने 201 बनाया। डेवॉन कॉनवे 92 थे, गायकवाड का 37 था, 3 विकेट देशपांडे के थे, 2 विकेट जडेजा के थे। प्रभ सिमरन सिंह ने 42 का स्कोर किया था और लियाम लिविंगस्टन के 40 रन थे। वहीं अगर आप ये वाला मैच देखेंगे जिसमें धवन का 88 था और राजपक्षा का 42 था, रबाडा के 2 विकेट थे, ऋषि धवन के भी 2 थे, गायकवाड ने यहाँ पर भी 30 रन किए थे और खैर ये खिलाड़ी तो अब टीम में ही नहीं है शामिल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टीमों में अभी वो प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे। रबाडा जरूर मौजूद है, लिविंगस्टन है जो कि बेंच पर है, प्रभ सिमरन सिंह ने जरूर 40 किया था और देश पांडे के 3 विकेट और जडेजा के 2 विकेट है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो ₹1 में, वो भी 5 टीम्स के साथ में। जी हाँ दोस्तों, माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दिया है, आप वहां जाओ, डाउनलोड करो, डाउनलोड करके साइनअप कर लो और जैसे ही आप 1 घंटे के अंदर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जाएंगे ना तो आप 5 टीमें सिर्फ ₹1 में लगा पाएंगे। मतलब जिस कॉन्टेस्ट का जो प्राइस है ₹1 करोड़ है, वो कॉन्टेस्ट आप ₹5 में 5 टीम लगाकर खेल सकते हो। जल्दी से जाके जितने भी नए यूजर हैं डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। 1 करोड़ का प्राइस आपको यहां पे मिलता है। और जब आप पहली बार, इससे आपको ₹5 तो चाहिए खेलने के लिए, तो क्या करना, जब आप डिपॉजिट करो तो मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना जो कि talent23 है। अब चाहे आप ₹100 डालो, चाहे आप ₹10 डालो, चाहे आप ₹500 डालो, आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा कैश। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए से खेलना चाहते हैं, जो आपका बजट है उस हिसाब से डिपॉजिट कर लेना, आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा। लिंक जो मेरी से साइन अप करोगे उसी को फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसके आधार पर हम टीम तैयार करेंगे। और जिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक और कॉमेंट करके नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दो, उसके बाद कॉमेंट कर दो एक जबरदस्त। अब यहां पर देखो, गायकवाड और रहाणे आ रहे हैं, रहाणे सभी मैचेस में अपना विकेट फेंक के गए हैं। इसके बाद डैरिल मिचेल नंबर 3 खेल रहे हैं, दुबे और धोनी और जडेजा आपको मिलते हैं। और यहां से आपको फिर मुइन अली, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, पतिराना, रहमान और देशपांडे हैं। पावर प्ले की गेंदबाजी आपको मिलती है दीपक चहर से, पहला प्लेयर, दूसरा प्लेयर देशपांडे, तीसरा प्लेयर रहमान। ये 3 गेंदबाज जो हैं ये आपको पावर प्ले में जनरली गेंदबाजी करके देते हैं। डेथ ओवर में कौन कौन आता है, डेथ ओवर में आपको मिलते हैं पतिराना और रहमान, ये स्पेशल है जो कि आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देंगे। और शार्दुल ठाकुर ज्यादातर गेंदबाजी आपको मिडिल ओवर्स में करके देंगे जडेजा के साथ में, यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी हुई है। अब यहां से सीधे चलते हैं और बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले अगर गायकवाड़ का देखेंगे, पिछले ही मैच में 50 बनाया, टोटल 450 और 100 कर चुके हैं, कितनी पारियों में, 13 पारियों में। 13 पारी में 5 बड़े स्कोर, मतलब हर दूसरी पारी में एक अच्छा स्कोर इनके बैट से निकला है, तो ये खिलाड़ी ग्राउंड के हिसाब से आपके लिए जरूरी है। दूसरा खिलाड़ी आता है रहाणे, जिनका बैटिंग एवरेज 15 का है और जो हम पावर प्ले में विकेट खोजते हैं वो विकेट इनका होता है। नंबर 3 पे आपको मिले हैं डैरिल मिचेल, फाइनली पिछले मैच में इनके बैट से भी 50 आया था, बढ़िया बैटिंग की, सीधे बैट से खेले। और इसके बाद है शिवम दुबे, 40 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार 50 ये भी कर चुके हैं, हालांकि इनको पिछले मैच में ज्यादा मौका मिला नहीं था, नहीं तो ये भी आपको 50 करके दे जाते। इसके बाद है मुइन अली, 8 में 68, रविंद्र जडेजा 19 का बैटिंग एवरेज, धोनी 40 का बैटिंग एवरेज, अली 11 का बैटिंग एवरेज, इनको ज्यादा मौके मिल नहीं पाए हैं। फिर अगर गेंदबाजी की बात करोगे तो ये चीज आपको यहां पे समझ में आ रही होगी कि जडेजा को 42 मैचेस में 34 विकेट मिले हैं इस मैदान के ऊपर, 42 मैचेस में 34 विकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि जडेजा को लेकर आऊंगा 4 विकेट निकाल कर देंगे, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो पहली इनिंग में गेंदबाजी करेंगे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर के पास में 5 विकेट है, दीपक चहर के पास में 23 विकेट है, रहमान के पास में 11 है, तुषार देशपांडे के पास में 19 है और पतिराना के पास में 15 विकेट शामिल है। ज्यादातर जो ज्यादा विकेट निकाले हैं वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। अब पहला नाम रहाणे का, रहाणे ने सिर्फ ये 3 मैच खराब किए हैं, खराब से मतलब जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए, बाकी सभी मैचेस में अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आपको फायदा ही हुआ है। अब यहां देखिए, पंजाब के सामने 3 बार 50 किया है, मतलब हर 6 इनिंग के बाद में इनके बैट से एक 50 निकल कर आया है और पिछले 1 साल के अंदर 2 50 किए हैं, लगभग 20 इनिंग में यहां पे हर 10 इनिंग के बाद में एक 50 आया है। तो ये खिलाड़ी अभी के लिए देखा जाए तो स्मॉल लीग में फिट नहीं बैठेगा। ग्रैंड लीग में भी ऐसा नहीं है कि अगर 20 टीम तैयार कर रहे तो 20 में से 10 टीमों में रख लो, 5 में रख लो, नहीं, इनको रखना है आपको 1 या 2 टीमों में या 3 टीमों में ज़्यादा से ज़्यादा। और राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनको परेशान करता है, 10 का बैटिंग एवरेज है,
सामने वाली टीम के पास में राइट आर्म ऑफ ब्रेक प्रॉपर गेंदबाज नहीं है। इसके बाद आपको मिलते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पंजाब के सामने सिर्फ एक ही बार 50 किया है, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है, इसलिए आप यहां 50 ज्यादा नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि पंजाब की तरफ देखोगे तो वहां दो लेफ्ट आर्म मीडियम खेल रहे हैं, एक सैम करण और एक अर्शदीप सिंह। और आपको क्या देखने मिलेगा, अर्शदीप सिंह इनको दो बार पहले भी आउट कर चुके हैं, और इसके अलावा कगिसो रबाडा भी इनको दो बार पहले आउट कर चुके हैं। हालांकि कगिसो रबाडा के सामने स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन अर्शदीप सिंह के सामने परेशानी है। और यही चीज मैं आपको यहां पर भी दिखा सकता हूं कि आप देखोगे अभी तक टोटल जो ये 6 या 7 बार आउट हुए हैं, उनमें से 4 बार तो सिर्फ लेफ्ट आर्म ने आउट किया है, तो ये इनकी दिक्कत है। तो इस मैच में मैं 50 तक उम्मीद कर सकता हूं, मतलब 40-50 तक, लेकिन अगर कहो कि 80-90 वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम इनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, और दो लेफ्ट आर्म है। पहले बैटिंग करते हुए 6-50-100 है। अगर आप रिस्क लेने वाले प्लेयर हो तो अर्शदीप सिंह और सैम करन की दम पे, अर्शदीप सिंह और सैम करन की दम पे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद नंबर 3 पे डायरेल मिचेल है, जिन्होंने 50 किया, पंजाब के सामने एक ही मैच खेला है, और पिछले एक साल में 39 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 5 बार 50 है। पहले बैटिंग करते हुए 4 50 किया है, अलग अलग गेंदबाजों ने आउट किया, कमजोरी कुछ भी नहीं है हाल फिलहाल की स्थिति में, ये आपके लिए कंफर्म पिक है। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे ने 39 का स्कोर फिर से किया और नॉट आउट थे, और कुल मिला के ये खिलाड़ी आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसको भी ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। और अर्शदीप सिंह ने इनको 2 बार आउट किया जरूर है, पर पॉसिबल है कि वो डेथ ओवर में किया होगा, और कगिसो रबाडा भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, वही स्थिति है कि पॉसिबल है कि इन्होंने भी डेथ ओवर में ही आउट किया होगा। इसके बाद MSD हैं, MSD ने दोस्तों ज़्यादातर मैचेस में बैटिंग करने आए हैं जब या तो एक गेंद बच रही हो, 2 गेंदें बच गई हों, या 4 गेंदें बची हों, तो MSD का उतना ज़्यादा काम रहा नहीं है। अगर टीम जल्दी आउट हुई है तो एक अलग बात है, जैसा कि यहाँ 37 का स्कोर किया था और एक में 28, बाकी मैचेस में ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं है, तो MSD को हम छोड़ के चलने वाले हैं। और राहुल चहर इनके लिए थोड़ी दिक्कतें खड़ी करते हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं और 30 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाने दिए हैं, 57 का स्ट्राइक रेट है, बहुत परेशान किया है। इसके अलावा हर्षल पटेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, सिर्फ 78 का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा पे। जडेजा के पास में इस मैच में एक अच्छा मौका है बैटिंग करके स्कोर करने का, क्योंकि यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कहीं ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट होते हैं, और जो हम हर मैच में देख रहे हैं अजिंक्य रहाणे का विकेट भी चला जाता है, तो फिर इनका प्रमोशन पॉसिबल है, या तो इनका प्रमोशन या फिर मुइन अली का प्रमोशन। तो जब GL का कॉम्बिनेशन तैयार करो तो एक टीम में जडेजा को तो खैर वैसे भी सभी लोग कैप्टन बनाते ही हैं, तो इस पर बात नहीं करूंगा, मुइन अली पर बात करूंगा कि मुइन अली को वाइस कैप्टन जरूर बना के देखिएगा। और रही बात इनके बैटिंग की, तो 29 का बैटिंग एवरेज है, पिछले एक साल में 150 बनाया, जो कि अभी रिसेंटली हमने यहां देखा था। और अब गेंदबाजी भी देख लो आप, 1 विकेट 0, 0 विकेट 0 विकेट, यहां पे 3 विकेट था जब पहले गेंदबाजी की। मैं स्टार्टिंग में ऑलरेडी कह चुका हूं कि पहले गेंदबाजी करते हुए विकेट निकाल सकते हैं, जब सेकंड आया 0, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ज्यादातर मैचेस में क्या देख रहे हैं, 0 लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और रिसेंटली इतना बेहतर फॉर्म भी नहीं रहा। इसके बाद आपको नाम मिलता है अली का, और अली अभी एक ही मैच में बैटिंग आई थी, 30 रन का स्कोर किया था, और एक मैच में गेंदबाजी सही तरीके से मिली थी जिसमें 2 विकेट मिले थे। अब चूंकि ये ग्राउंड उस हिसाब का है नहीं, और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको भी परेशान करता है, बैटिंग एवरेज देखोगे लगभग 33 का है, अर्शदीप सिंह मौजूद है, सैम करन भी मौजूद है, और हर्षल पटेल इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद शार्दुल ठाकुर है, पंजाब के सामने 17 विकेट निकाले हैं, और 4 विकेट का ही इनका हाईएस्ट है, और पिछले एक साल के अंदर 13 इनिंग में 8 विकेट इनके खाते में दर्ज है। दीपक चहर 9 इनिंग 7 विकेट। अब जो सामने टीम है, प्रभ सिमरन सिंह और बैरिस्टो के लिए थोड़ा सा अगर स्विंग होता है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो इन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकाले हैं, सेकंड करते हुए 14 विकेट हैं। मैं पावर प्ले में विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं चहर को टीम में रखने का विचार मेरा है। इसके बाद अगला नाम है पति राणा का, 2-2 विकेट चल रहे हैं, चाहो तो वाइस कैप्टन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 37 इनिंग में 56 विकेट टोटल इनके खाते में दर्ज है। पहले कराओगे तो 28 है, सेकंड कराओगे तो भी 28 विकेट है। इसके बाद तुषार देश पांडे का सिस्टम ही कुछ ऐसा चल रहा है कि दोस्तों ये इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, कभी कभी अशोक डंडा बनते हैं तो कभी कभी डेल स्टेन बनते हैं, मतलब
कभी इस तरह की गेंदबाजी होती है कि बल्लेबाज इनका तुषार तुषार एक तरफ कर देते हैं और देश देश एक तरफ कर देते हैं और पांडे एक तरफ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती, जैसा पिछले ही मैच की बात करें तो 4 विकेट निकाल दिए। इनकी टीम ने खुद नहीं सोचा होगा कि ये 4 विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन कमाल की गेंदबाजी रही, 4 विकेट मिले हैं 27 इनिंग में, 32 विकेट। अच्छे लेंथ को हिट करते हैं, उसका फायदा कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी पिटाई भी होती है। इसके बाद पहले गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट हैं, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट हैं। आपको इकोनॉमी देखना चाहिए, 9 का इकोनॉमी ओवरऑल है और पंजाब के सामने 15 का इकोनॉमी है, मतलब 15 रन पर ओवर खाते हैं पंजाब के सामने। ये तो कहीं ना कहीं मैंने कहा सही है। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान है, बंदा विकेट टेकर है, ज़्यादातर मैचेस में विकेट निकालता है। पंजाब के सामने 4 विकेट है, 7 का इकोनॉमी है और पिछले एक साल में 38 विकेट हैं और पिछला एक साल में 9 का इकोनॉमी हमने देखा है। ज़्यादातर डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, इस वजह से भी आपको ये देखने मिलता है। अब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की तरफ से आपको बैरिस्टोर प्रभसिमरन सिंह, पिछले मैच के हीरो, फिर है इसके बाद हसान सिंह, हर मैच के हीरो। फिर गेंदबाजी शुरू होती है, सैम करंस है, जीते शर्मा बल्लेबाज हैं, आशुतोष शर्मा बल्लेबाज हैं, ब्रार, चहर, पटेल, रबाडा, अर्शदीप आपको मिल जाते हैं। चेंजेस की तो दोस्तों ऐसी कोई कहानी है नहीं, नई गेंद के साथ में आपको गेंदबाजी करते हुए मिलते हैं अर्शदीप सिंह, इसके साथ आपको मिलते हैं सैम करन, इसके साथ आपको मिलते हैं रबाडा और एकाधिक ओवर पटेल का आता है। ज़्यादातर मैचेस में ये डेथ ओवर में भी यही लोग गेंदबाजी करते हुए आपको मिल जाते हैं। फिर अगर हम पहले खिलाड़ी की बात करें, जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने इस मैदान पर 6 मैच खेलकर 211 बनाए हैं और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। बड़ी कमाल की बात यह है कि प्रभसिमरन सिंह के पास भी 40 रन है, रायल एरोशो के पास में 35 है और 2 में 29 किया है सैम करन ने। गेंदबाजी की अगर बात करें तो राहुल चहर के पास में 12 विकेट शामिल हैं, 11 विकेट हर्षल पटेल ने निकाले हैं। चूँकि जब आप ये देखेंगे ना कि स्पिन ट्रैक रहता था पहले, तब की ये स्थिति है और हर्षल पटेल की भी तब की ही स्थिति है, लेकिन इस साल थोड़ा सा कुछ अलग चला है ग्राउंड, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। पहला नाम है बेयरस्टो का, पिछले मैच में कमाल की बैटिंग की है और सीएसके के सामने 6 इनिंग में 19 का एवरेज है, 1.50 किया है और 2022 से 2024 में 2.50 और 100 लगा चुके हैं। 100 पिछले ही मैच में बनाया था जो कि सेकंड बैटिंग करते हुए था। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको ज़्यादा परेशान करती है, चूंकि पतिराना मौजूद है सामने वाली टीम के पास में, पर वो पावर प्ले में नहीं आते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। मेन जो है दीपक चहर से मैं इनकी परेशानी मान के चल सकता हूँ। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन सिंह की अगर बात की जाए तो 2 मैचेस में बड़ी कमाल की बैटिंग की है, 1 पारी में 42 रन पहले चेन्नई के सामने कर चुके हैं और पिछले एक साल के अंदर 26 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें टोटल 3 बड़े स्कोर इनके बैट से आए हैं, 23 इनिंग में 3 बड़े स्कोर। ठीक है, गेंदबाजी देखोगे चाइना मैन परेशान करता है, बाकी ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं, लेकिन ये मिस और हिट वाला बंदा है, ये कभी भी विकेट फेंक सकता है, तो इसीलिए इस पर ट्रस्ट करना मतलब रिस्क लेना है। फिर नंबर 3 पे है रायल एरोसो, ये अपने जो रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखे हुए हैं, 12 का बैटिंग एवरेज है और 16 का टोटल बैटिंग एवरेज है, विकेट फेंकते हैं 26 है और स्पिन इनके सामने बड़ी घातक है, मतलब स्पिन आ जाएगी तो ये अपने आप ही विकेट दे जाएंगे। मतलब वैसे मैं कह रहा था कि जडेजा को दिक्कत आएगी विकेट निकालने में, लेकिन ऐसा बल्लेबाज जिसको दिक्कत आती है बैटिंग करने में स्पिन के सामने, वो विकेट फेंक सकता है। जैसे हम पिछले ही मैच की बात करें तो जडेजा ने आउट किया था एक बल्लेबाज को, अच्छा तेज डाल के बाउंसर डाला था उन्होंने, मतलब अच्छा बाउंस आया था उस पर उनको विकेट मिला था, छोटी गेंद डाल दी थी स्पीड के साथ में, ऐसा कुछ इनको यहाँ पे भी मिल सकता है। और इसके अलावा राइट आर्म मीडियम के सामने इनका दिक्कत है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने भी समस्या है और ये सारे गेंदबाज यहाँ पे मौजूद हैं, तो कुल मिला के इनके लिए दिक्कतें बड़ी हैं, इनका चलना रेयर चांसेस हैं। इसके बाद शशांक सिंह है, इस बंदे ने कमाल किया है, 68, 41, 46, 61 और 9, पर एक कमाल की बात हमने जो देखी है कि जब पहले बैटिंग आई है, जैसे आप ये ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं ना, ये पहली इनिंग का परफॉर्मेंस है, 8 रन, 9 रन और 21 रन, जब पहले बैटिंग आई है तब उतने बड़े स्कोर इनके बैट से नहीं निकले हैं जितने बड़े स्कोर इन्होंने सेकंड इनिंग में लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं पहली इनिंग का प्रेशर इन पे अलग है, तो वो देखने लायक होगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 17 है और यहाँ पे आपको मुस्तफिजुर रहमान मिल जाते हैं जो कि क्वालिटी गेंदबाज हैं। इसके बाद है सैम करन, बैटिंग डाउन नीचे आया है और अब बैटिंग आ जाए नहीं आए ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे देखोगे तो गेंदबाजी में 22 विकेट खाते में है, लेग ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 9 होता है, चूंकि वो यहाँ नहीं मिलेगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 6 है, एम रहमान मौजूद है, पहले बैटिंग करते हुए 14 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 29 का, पहले गेंदबाजी करा लो तो 12 विकेट है, सेकंड करा लो तो 10 विकेट है। ये खिलाड़ी आपकी टीम में जगह बनाता है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता है।
इसके बाद जितेश शर्मा है, उतना कुछ कमाल किया नहीं है। अब चूंकि हमारे पास विकेट कीपिंग में ऑलरेडी बैरिस्टो भी मौजूद है, प्रभसिमरन सिंह भी मौजूद है, तो हम वहीं पर रिस्क ले लेंगे। जब हमें रिस्क ही लेना है तो वहीं उठाएंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग आ भी गई है तो अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ कमाल किया नहीं है। अधिकतर मैचेस में बैटिंग आई है, हाईएस्ट 29 बनाया है, तो मैं ये उम्मीद से कि रख लूँ कि इस मैच में ही 50 करेंगे तो वो गलत होगा। इसीलिए रीसेंट फॉर्म के भरोसे छोड़ रहे हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने 5 बार अपना विकेट गवा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, वैसे 16 का एवरेज है और चेन्नई के सामने 23 का बैटिंग एवरेज है। खिलाड़ी बढ़िया है, चाहो तो GL में कुछ टीमों में रख के देख सकते हो। इसके बाद आशुतोष शर्मा ने 5 इनिंग में 159 का स्कोर किया है। अगर शशांक सिंह की तरह इनको भी प्रमोशन मिले तो फायदा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे हरप्रीत बरार पे। बरार के हिसाब का ग्राउंड नहीं है और वैसे भी इन्होंने इस टीम के सामने विकेट नहीं निकाले हैं। 27 इनिंग में 24 विकेट है। बैटिंग की तो खैर बात नहीं करेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे तो 9 विकेट है, सेकेंड करेंगे तो 15 विकेट इनके खाते में शामिल है। इसके बाद हर्षल पटेल ने ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाला है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 3-4 विकेट निकालने तो मुश्किलें थोड़ी सी रहेंगी। क्यों रहेंगी मुश्किलें? पहली चीज़ तो कि ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि इस साल ड्यू बहुत ज़्यादा देखा है। ड्यू ज़्यादा आने की वजह से हो क्या रहा है कि बॉल ग्रिप नहीं होगा, और इनका मेन काम क्या है कि वेरिएशन यूज़ करना, स्लोअर वन डालना। जब हाथ में गेंद सही से पिक अच्छे ग्रिप नहीं होगी तो स्लोअर वन सही जगह डालना मुश्किल हो जाएगा, कई सारी फुल टॉस देखने मिल सकती हैं अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करें तो। तो पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट, सेकंड इनिंग में करें तो 15 विकेट आपको देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा कगिसो रबाडा है, 2-0 लग चुके हैं, 8 में 8 विकेट यहाँ हैं और 36 में 43 विकेट इनके खाते में आपको टोटल देखने मिलते हैं। अंतिम जो दो नाम है जिसमें अर्शदीप सिंह, जगह मिल चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों ये नाइंसाफी हुई है टी नटराजन के साथ में। कमाल की गेंदबाजी करने के बाद भी अगर उनको जगह नहीं मिली है तो ये गलत बात है। इनके खाते में अगर आप देखोगे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, विकेट्स बहुत मुश्किल से मिले हैं, और कुल मिलाकर उस बंदे ने कमाल किया था, इन्होंने उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं की है। 23 इनिंग में 29 विकेट इनके खाते में टोटल शामिल है, पहले करा लो तो 14 है, सेकंड करा लो तो 15 विकेट है। अंत में है राहुल चहर, इस मैच में ज़्यादा इनका इस्तेमाल शायद ना हो पाए क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन की वजह से प्लस शिवम दुबे की वजह से। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि कौन कैप्टनसी के लिए आ सकता है कौन नहीं। तो जिन जिन लोगों ने पहले तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह दी है। अब पहला नाम आपको मिलता है सैम करन का, फिर गायकवाड़ और फिर जडेजा का है। बैरिस्टो, मिचल और शिवम दुबे ये आपके GL में काम आने वाले प्लेयर हैं जो कि आपको देखने मिलेंगे। टीम कॉम्बिनेशन में बैरिस्टो है और उसके बाद सीधे सैम करन है, बीच में किसी को नहीं लिया, मिचल, दुबे, गायकवाड़, जडेजा को पटक लिया है, वैसे नहीं चाहता था ये। मैं टॉस के बाद देखूंगा कि जडेजा को रखना है या नहीं रखना है। पहले अगर बैटिंग कर रहे होंगे ना तो फिर मुश्किल काम है, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग करेंगे ना, पहले गेंदबाजी करेंगे तो फिर सोच सकता हूँ। कगिसो रबाडा यहाँ मौजूद है, तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। टॉस के बाद जो भी टीम में चेंजेस होंगे वो मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरे साथ में बने रहना। 1500 रुपये का कैश बोनस आपको मिल जाएगा जब आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी उसे डाउनलोड साइन अप करोगे तो। और ध्यान रखना, दिस गेम ये भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।